बिहार के रोहतास से एक बड़ी ही हैरान करने वाली घटना सामने निकल कर आई है, जहां पर एक परिवार ने पूरे गांव को लूट लिया। 8 करोड़ रुपए की लूट की है और उसके बाद पूरा परिवार अंडरग्राउंड हो गया। रोहतास में इस पूरे मामले की जानकारी तब सामने आई जब इस पूरे गांव ने एक एक करके थाना अध्यक्ष के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाई और तब थाना अध्यक्ष ने पूरे मामले का खुलासा किया है। दरअसल बात यह है कि एक महिला इतनी शातिराना तरीके से पूरे गांव को लूट गई कि किसी को कानोकान खबर नहीं हुई। अलग अलग बैंक से गांव के अलग अलग व्यक्ति के नाम पर लोन उठाया और उसके बाद पैसे लेकर फरार हो गई। पूरे गांव पर इस वक्त 8 करोड़ रुपए का कर्ज है और बैंक वाले हर दिन आते हैं, गांव के लोगों के घर आकर बार बार धमकी देते हैं कि अगर आप लोगों ने पैसा वापस नहीं किया तो आपके सामान को जब्त करके पुलिस लेकर चली जाएगी। ये तमाम लोग इकट्ठे होकर थानाध्यक्ष के पास पहुंचे और उसके बाद न्याय की गुहार लगाई है। महिला का नाम नीलम देवी है, जो कि एक बैंक में काम करती थी और बैंक में काम करने के दौरान कई सारे लोगों के नाम पर लोन लिया करती थी और उसके बाद उस लोन को भरती भी थी। ये सिलसिला लगातार कई सालों तक चलता रहा और उसके बाद जब पूरे गांव वालों को महिला पर विश्वास हो गया तो एक दिन महिला तमाम लोगों के पैसे लेकर फरार हो गई। पिछले करीब 10 सालों से ये ठग परिवार लोगों के नाम पर लोन निकालता और जमा करता था। कुछ सालों तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। जब इन लोगों ने बाकी लोगों का विश्वास पूरी तरीके से जीत लिया तो एक बड़ी घटना को पूरे परिवार ने साथ मिलकर अंजाम दिया है। करीब 8 करोड़ रुपए लेकर गांव छोड़कर भाग गए। बताया गया है कि मोथा गांव निवासी राजू गुप्ता की पत्नी नीलम देवी फाइनेंस कंपनी कैस्पार बैंक के विक्रमगंज ब्रांच में एक कर्मचारी के रूप में काम करती थी और अपने गांव के निजी मकान में एक बैंक की शाखा भी चलाती थी। इस ठगी में नीलम का पूरा परिवार शामिल है। लोगों ने बताया कि हर दिन किसी न किसी बैंक से अधिकारी आते हैं और उसके बाद धमकी देकर चले जाते हैं। महिला इस पूरे कारनामे को अंजाम देकर अंडरग्राउंड हो चुकी है। लोगों ने बताया कि ठग महिला के घर पर ताला लगा हुआ है और महिला पुलिस के ट्रेस से बाहर आ चुकी है। परिवार के सभी लोगों का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और महिला को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन महिला अपने पूरे परिवार के साथ रफू चक्कर है। और इधर गांव की लगभग 300 महिलाएं और पुरुष न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस पूरे कारनामे में सबसे ज़्यादा महिलाओं को बेवकूफ़ बनाया गया है। नीलम अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर महिलाओं और पुरुषों के नाम पर लोन लेती है, कई सालों तक लोन लेती है और उसे चुकाती भी है, लेकिन जब उसे पूरे गांव का विश्वास प्राप्त हो गया, उसे लगा कि अब पूरा गांव उस पर अच्छे तरीके से भरोसा करने लगा है, तो मौका देखकर 8 करोड़ रुपए का लोन उठाती है और उसके बाद पूरे परिवार को लेकर फरार हो गई। कहाँ है किसी को नहीं पता। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस के ट्रेस से भी ये लोग बाहर आ चुके हैं। पुलिस भी अब पता लगाने में नाकाम धीरे धीरे होती जा रही है। पुलिस पूरे परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रही है लेकिन अब तक परिवार के सदस्य मिले नहीं हैं। इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आएंगे हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। हमारा गांव मोथा पड़ी सर। हमारा गांव में शिव कुमार शाह घरे एगो केंद्र चलते रहे समूह, ओमे सब कोई के फार्म भरवावत रहन। उनकर लड़का राजू शाह और उनकर नाती शिव कुमार शाह के प्रिंस कुमार उर्फ संजीत राज आ सर उ घर ही से फार्म भरवा देते रहन। आ सर बैंक से मिल के आ जब पैसा निकासी होते रहे तब तो लिया के जाते रहन सब कोई के सर 2000 के 1000 के लालच दे दे आ पैसा सर खतो पैसा निकलवा लेते रहन, ट्रांसफर करा लेते अपना खाता पर अपना पूरा परिवार के खाता पर। आ सर सब कोई के पैसा 10 बरिश तक भरलन। आ सर असो 12 तारीख के सर रात में अपन पूरा परिवार सहित सब कोई के पासबुक आधार कार्ड लेके सर आ सब भाग गुलन। अब सर इतना गरीब का करीहन। मैनेजर हमनिक बहुत तबाह करते जाए कि ना तो चौकट केवाड़ी कबरी ना तो पैसा द जाए।
सर कहाँ से हमनी के भरम जा, हमनी के तो एक टाइम कमाते जा तो एक टाइम खाते जा। मतलब कितना लोग से फ्रॉड भइल बा? लगभग सर लगभग 300 आदमी टोटल मिला के 15 लाख हमारा घर से। और रात के आवे साहब के लिया के फार्म भरवावे हमनी के डॉक्यूमेंट लेके। कौन माने कौनो कौनो मैनेजर? हाँ, बैंक के मैनेजर उसके साथ आते थे। हाँ, एक आदमी फार्म भरवा से फोटो खींच लेवे सब आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट के कौनो में डलवा डलवा के पैसा निकलवा ठेपा फिंगर लेके अथी कर लेते रहे। हमनी के बुझाते ना रहे, हमनी के पढ़ल लिखल है नहीं कि जब बुझाते हैं ना। हमारे एज नहीं के, हमारे एज कम करवा के आ पैसा निकलवा ले जानी। हाँ, आँख आधार कार्ड बनवैल पहले। हाँ, एज कम करवा के। अच्छा, हाँ पैसा निकलवा ले लो। कितना? एक बे 30,000, एक बे 40,000, एक बे 50,000 आ एक बे एक बैंक में ना अलग अलग जान जानी की ठेपा लेके मशीन लेवत रह ना, ठेपा लेके बकरी चरावत रहे डीला पतन सर, ठेपा लेके आ जाके पैसा निकाल लेते रहन बैंक से। हम ओप कहनी कि ई ठीका धंधा तोहार नहीं खे बबुआ, तू गलत करावत रह, तू बैंक से बैंक में लिया जा, बैंक से तू अपन खाता के निशान दो कि हम ले तानी। फलसाही बतिया के सर देखी हमारा परिवार से मान के 3 लाख रुपया निकलवा के आ जान नहीं के लेके भाग लौन आ हमार परिवार मरे के रंजा लगल, आज मरी कि काल मरी है डॉक्टर साहब बुझा दिया कि मर जाई आ जान नहीं कि एकदम अब जिये बोली नहीं थे। क्या नाम है? हाँ, हमारे चपरासी पासवान। आपकी पत्नी के? जो पत्नी के मटरी देवी। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।